हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग ने कल प्रणोद और दाग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो हैं वो प्रणोद के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्रणोद एक बल होता है बच्चों, और इसके एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है साइकिल या फुटबॉल में पंप के द्वारा हवा भरने के लिए इसके द्वारा पिस्टन के पूरे क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ड्राइंग पिन को लगाते समय उसके चपटे भाग के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। ये बल सतह के लंबवत होता है। थर्ड एग्जाम्पल बेटा, बसों या ट्रकों में प्रणोद बल कारों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। कारों में टायरों की तरह यदि बसों के टायर कम चौड़े रखे जाएं, तो उनका दबाव अधिक हो जाएगा और वे धरती में धंस जाएंगे। इसलिए बसों या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े रखे जाते हैं, जिससे कि उनका क्षेत्रफल बढ़ जाए और धरती पर दबाव कम पड़े। फोर्थ एग्जाम्पल, घोड़े के पैरों की अपेक्षा ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रफल अधिक होता है और दाब कम हो जाता है। दाब कम होने के कारण ऊंट मरुस्थल में आसानी से चल पाता है। अब तरलों में दाब, प्रेशर इन फ्लूइड्स, सभी द्रव व गैसें तरल होते हैं। जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं, उसी प्रकार सभी द्रवों व गैसों में भी भार होता है, और ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर चारों ओर दाब लगाते हैं। किसी परिशुद्ध तरल द्रव या गैस के किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना कम हुए संचरित हो जाता है। तरल द्वारा डाला गया दाब पात्र की गहराई मतलब ऊंचाई के साथ बढ़ता है। आज बेटा हम लोग ने प्रणोद के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में जाना और तरलों में दाब के बारे में, प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में जाना। थैंक यू।